नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया महाजन पिंडारकर है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ उज्जैन में। आज मेरे साथ डॉक्टर उमेश शुक्ला सर हैं। सर भी एमडी फिजिशियन है आयुर्वेदा में उज्जैन में। सर की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सर से मैं ये जानना चाहूंगी, सर ने 3.5 महीने पहले हमसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया 1500 कैप्स का, जो कि सिर्फ हेयरलाइन था। तो सर ने ये डिसीजन क्यों लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है, और लिया तो हमसे ही क्यों कराना है, ये डिसीजन क्यों लिया? और मुझे बहुत दिनों से मैं लोगों को देख रहा था जो लोग उनके बाल से उन्हें कम हुआ करते थे, मेरे भी कम हुए। मुझे थोड़ा सा सोचने में पता कि अभी पूरी स्थिति रही तो आगे चल के कैसा होगा। इस बीच में मुझे आपके बारे में पता चला और आपके दो चार मुझे और पेशेंट मिले, उन्होंने मुझे बताया, तो मेरा उससे विश्वास बढ़ा और उस विश्वास के तहत मैं आपके पास आया। सही रहा, मुझे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई और मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका। सर को पेन भी बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, सर ये बोलना चाह रहे हैं। और सर जैसे अभी 3.5 महीने हो गए, लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद तकलीफें बढ़ जाती है और ये सर की सर्जरी है, बहुत खतरनाक सर्जरी होती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये 3.5 महीने का? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये जितनी भी तरह की बातें समाज में चल रही हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में बहुत तकलीफ होती है या उसमें हमें किस तरह की कोई गंभीरता होती है, बिल्कुल गलत है। इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। एक आम प्रक्रिया है। एक जैसे हम दांतों का इलाज करवाते हैं, पेट का एक सर्जरी कराते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, वैसे एक और ये उससे ही सरल प्रक्रिया मुझे लगी। आपको जो 4 घंटे वहाँ रहना है और आपको तो पता भी नहीं चलता है, मुझे तो पेन भी नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ईजी है, लोग के डर से आगे आना चाहिए। बस यही हमारा मकसद था सर ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, कि लोगों को लगे कि डरने वाली कोई बात नहीं होती है, आसानी से आप ठीक हो जाते हैं, एडमिट भी नहीं करते हैं हम, सेम डे आपको घर भेज देते हैं और दवाइयां भी बहुत मामूली सी चलती है, बहुत हैवी मेडिसिन कुछ भी नहीं चलती है। और सर का रिजल्ट अब 3.5 महीने मतलब बहुत ही कम होता है, बट यू कैन सी थोड़ी थोड़ी से ग्रोथ आने लगी है ना। तो ये तो बहुत और भी डेंसिफिकेशन होने वाला है इसमें, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर।